हेलो फ्रेंड, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हमारी सोने चांदी की चीज़ें होती हैं, हम घर पर उनको किस तरीके से साफ करें, और वो भी बहुत आसान तरीके से हम साफ करेंगे और बहुत जल्दी साफ हो जाएंगी। तो आप घर पर ही इनको साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चांदी की पायलें हैं, कुछ कानों के हैं, तो ये थोड़े गंदे हो रहे थे तो मैं इनको साफ करने वाली थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि इनको हम घर पर किस तरीके से आसानी से साफ कर सकते हैं। तो चलिए साफ करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, पहले हम सोने की चीज़ें साफ करेंगे। तो सोने की चीज़ें साफ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है, वो हल्दी ले ली है। और यहाँ पे जो सर्फ आती है जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, डिटर्जेंट कोई भी, आप वो ले लीजिए और ले करके और पानी डालेंगे। अगर आपकी जो सोने की चीज़ें हैं वो ज़्यादा ही गंदी हो रही हैं तो आप गर्म पानी डालें, अगर ज़्यादा गंदी नहीं हो रही हैं तो आप वैसे ही नॉर्मल पानी डालें और इस तरीके से 2 मिनट के लिए डाल के रख दें। 2 मिनट के लिए डाल करके रख दें पानी में, और अगर आपकी ज़्यादा गंदी है तो गर्म पानी में 5 मिनट डाल करके रख दें। तो इस तरीके से मेरी ज़्यादा गंदी नहीं हो रही है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इनको पानी में डाल के रख दिया था, हल्दी वाले पानी में। और इनको हम एक कोई टूथब्रश होती है जो कि वेस्ट होती है, जो ख़राब हो जाती है, आप ऐसी कोई ब्रश ले लें और आप इससे इसको रगड़ दें। इस तरीके से रगड़ देंगे तो ये जो हमारा मैल है वो सारा निकल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से साफ हो जाती हैं, और जो भी इनका मैल वगैरह जो भर जाता है वो सारा आसानी से निकल जाता है। और अगर आपका जो भी सोने का जो भी चीज़ है आपकी, वो अगर ज़्यादा गंदी है तो आप इसमें गर्म पानी का यूज़ ज़रूर करिएगा और उसको 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा, तो जो मैल होता है वो फूल जाता है, तो और भी जल्दी आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी इसलिए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ब्रश से इनको रगड़ दूंगी। फ्रेंड्स, कहीं भी सुनार वगैरह पे जा करके साफ कराने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप इस तरीके से आसानी से साफ कर सकते हैं और हो जाती है। तो इस तरीके से मेरे जो भी हैं, मैं सारी चीज़ें इनको साफ कर लूँगी और फिर इनको एक साफ पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे और कपड़े से पोंछ लेंगे। तो मैंने इनको यहाँ पे रगड़ लिया है और अब मैं एक साफ पानी में इनको धो लूँगी। तो आपको इसी तरीके से सोने की जो चीज़ें हैं वो साफ़ करनी है, लेकिन आपकी चीज़ों में कोई नग वगैरह लगे हों वो आप ना डालें, क्योंकि वो हल्दी के हो जाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें थी वो मैंने धो ली हैं और साफ़ हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और आपके अगर किसी सोने की चीज़ में कोई नग वगैरह लगे हों तो आप उसमें ना डालें हल्दी के पानी में, फिर आप गर्म पानी में और डिटर्जेंट से ही साफ कर लें, साफ हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे चांदी की जो पायल हैं वो साफ करेंगे। तो चांदी की पायल साफ करने के लिए जो कोलगेट पाउडर आता है, इस तरीके का जो पाउडर होता है कोलगेट वाला, वो ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बना करके और इसी तरीके की कोई वेस्ट ब्रश ले लेंगे, और इस ब्रश की सहायता से हमको ये पेस्ट इसके ऊपर लगाते जाना है और इनको रगड़ते जाना है। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही अच्छी तरीके से जो ये पायल हैं वो साफ़ हो जाती हैं। कहीं पे भी आपको सुनार वगैरह पे इस तरीके से जा कर के साफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी अगर बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही हैं तो आप पेस्ट में थोड़ी सी देर इनको रख दें और फिर उनको रगड़ें, और फिर अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से एक ब्रश की सहायता से इसको रगड़ें अच्छी तरीके से, थोड़ा टाइट हाथ चला करके, तो जितना भी मैल होता है वो सारा मैल इसमें निकल जाता है। तो इसी तरीके से हमको जो चांदी की पायल वगैरह होती हैं वो हमको इसी पेस्ट में इस तरीके से साफ कर लेनी होती हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो हाथ हैं वो कितने काले हो गए, कितनी जो इसमें मैल लगा हुआ था वो कितना सारा निकल गया है। आप देखिएगा, देखिए कितनी साफ़ हो गई हैं और कितनी काली हो रही थी। तो यहाँ पे अभी मैंने ऐसी धो के आपको दिखा दिया है, अभी इनको वापस एक बार अच्छे पानी से और धोएंगे बाद में।
तो इस तरीके से मेरे पास एक ये अंगूठी है, चांदी की रिंग है। अब इसको भी हम इसी तरीके से रगड़ लेंगे और ये पेस्ट लगाते जाएंगे और साफ़ करेंगे। पहले हम ऐसे ही पानी में धो लेंगे, फिर अच्छी तरीके से साफ पानी में धोएंगे और कपड़े से पोंछेंगे। तो इसको थोड़ी देर रख देंगे और ना आप देखेंगे जब सूखने के बाद तो ये और भी ज़्यादा चमक जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं घर पर ही सोने चांदी की चीज़ें साफ़ करती हूँ, मैं कभी भी मार्केट में नहीं करवाती हूँ। इसलिए मैं कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो आप इस तरीके से करिएगा, अपने घर पे कोई भी सोने चांदी की चीज़ें आपकी काली हो रही हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रिंग भी साफ़ कर ली है और ये वाली पायल आप देखिए कितनी काली हो रही हैं। अब मैं इनको भी इसी तरीके से साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं का है ना जो पानी होता है ना, वो ऐसा होता है कि है ना थोड़े ही दिन में पायल इतनी काली हो जाती हैं, जो चांदी की होती हैं वो ऐसी लगने लगती हैं कि पता नहीं वैसी हैं क्या, ग्लेट वगैरह जो होती है उस तरीके की। लेकिन चांदी की पायल इतनी बेकार हो जाती हैं कहीं कहीं के पानी से। तो आप टाइम टू टाइम इस तरीके से आप साफ़ करती रहेंगी तो आपकी जो पायल है वो बिल्कुल साफ़ रहेंगी और कभी काली भी नहीं पड़ेंगी। तो टाइम टू टाइम उनको साफ़ करते रहें तो इस तरीके से घर में ही, और वो साफ़ भी बनी रहेंगी, चमकती भी रहेंगी और अच्छी भी लगेंगी। तो इस तरीके से ही साफ़ करेंगे। तो इनको भी मैं अच्छी तरीके से रगड़ लूँगी। आप देख सकते हैं मेरे जो हाथ हैं उनमें कितना सारा जो गंदगी है इसमें, वो कालापन है, वो निकल रहा है। इनको एक बार मैं और अच्छे साफ़ पानी से धो लूँगी और धो कर के इनको कपड़े से पोंछ के थोड़ी देर बाद ये और भी ज़्यादा चमक जाएंगी। तो आपको इसी तरीके से साफ़ करनी है।